अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम या अली मदर। एक नई एपिसोड, एक नया जुनून। हम इस वक्त नूरानी के सबसे ख़ास व ख़ास शागिर्द के पास हैं, जो अक्सर लोगों से छुपे हुए हैं। लोग कई कई सालों से आ रहे हैं, कई कई बार आते हैं, महीनों में, दिनों में, उन्हें इनके बारे में नहीं पता। जो मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि शांत फ़कीर के बारे में आपको बताऊँगा, नूरानी सरकार के 7 या 7 शागिर्द थे। पहले आपको मैंने बताया मोहब्बत फ़कीर थे, फिर खड़े वाले सरकार, और ये शांत फ़कीर क्योंकि तबीयत में बहुत खामोश इंसान थे और ऑब्जर्वेशन और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा महारत हासिल कर ली थी जल्दी में ही इन्होंने, और नूरानी सरकार के हर जगह इबादत में और दूसरी चीज़ों में शामिल रहे, इन्हें ये बशरफ भी हासिल है। शांत फ़कीर के बारे में कहा जाता है कि शांत फ़कीर जो है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। इसके पीछे लॉजिक या जो कहानी है वो ये है कि क्योंकि ये खामोश तबीयत थे, तो इस वजह से नूरानी सरकार ने इनको जब मुख्तलिफ जगहों पे अपने शागिर्दों को डिप्यूट किया या भेजा, तो इन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे ऐसी जगह आप भेजें जहाँ पे लोग ना आए। तो उन्होंने कहा, नूरानी सरकार ने, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ पे तुम्हारी इजाज़त के बगैर कोई भी नहीं आएगा। शांत का मतलब है खामोशी, सन्नाटा। इस हवा में आप वो खामोशी और वो सन्नाटा फील कर सकते हैं, जो आगे भी हम आपको इस चीज़ के फीलिंग कराएंगे या दिखाएंगे। तो शांत फ़कीर खामोश तबीयत इंसान, यहाँ कोई भी नहीं है। इनका कोई मज़ार इतना ख़ास नहीं बना हुआ है। इन्हीं के एक और शागिर्द हैं, जो इनके शागिर्द हैं वो इससे ऊपर हैं, उनकी भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। शांत फ़कीर का अगर देखें तो ये इस नदी पर बना हुआ है। ये पूरी नदी जहाँ से अभी हम आ रहे हैं उन पहाड़ों से, उस तरफ से जो पहाड़ों से आए हैं चल के, तकरीबन 4-4.5 घंटे में हम यहाँ पर हैं। ये पूरी नदी यूँ चली जाती है, इसलिए ये हम पहले नहीं थी। ये भी 6 महीने पहले जो है, जब हम आए थे तो ये नहीं थी। अब 6 महीने पहले इन्होंने ये बना दिए। इस बार यहाँ बारिशें कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा हुई हैं। पूछा है, ये नदी आगे इसी तरह चली जाती है, तकरीबन ये रास्ता आगे 3 घंटे मजीद हम और पैदल चलें तो चाइना कंपनी वाला रोड आ जाता है। उस रोड से आगे 7 किलोमीटर पर पीर भुक्कर है, फिर हम विंदर की तरफ ऐसे जा सकते हैं। यहाँ बाइकों पे हम ऊपर से घूमकर जय हब चौकी से आ सकते हैं। शांत फ़कीर का ये छोटा सा बाग है जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, इसकी भी हम आपको ज़ियारत कराते हैं। ये शांत फ़कीर ने अपने हाथों से किसी ज़माने में ये दरख्त लगाए थे, और शांत फ़कीर की सबसे जो पुरानी यादगार है यहाँ पर वो है दरख्त इमली का। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ की सुबह बहुत अच्छी है, बहुत मोटी मोटी जो है यहाँ पे शबनम गिरती है, और बहुत मंजर बहुत मज़े का है जो हम आपको सुबह दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, ये अंदरूनी जगह आ गए हम, छोटी सी क्यामगा बनाई हुई है। ये दरख्त उन्होंने खुद लगाया था, ये इमली का दरख्त है, ये उनके हाथ का दरख्त है। किस तरह इसकी जो है तने जो है वो बल खाए हुए, करीब से दिखाते हैं। कई सौ साल पहले का ये दरख्त है जो आज भी अपनी जगह पे कायम व दायम है। ये पानी के मटके यहाँ पे यही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे एक और चश्मा है जो आ रहा है दूसरी साइड से, वो भी आपको दिखाते हैं। ये वो चश्मा है जो इस वक्त खुश्क है, क्योंकि यहाँ गांव वालों ने आगे पाइप डाल दी है और टंकी बनी हुई है जहाँ पीछे गांव में पानी जाता है। यहाँ की चश्मे की ज़्यारत हम आपको अभी करवाएंगे। ये सामने बाग है, ये छोटी सी दुकान बनी हुई है जो यहाँ के लोगों के गुज़र के लिए जो है वो ज़रूरत का सामान रखे हुए, यहाँ पे ये बर्तन रखते हैं सामने करते हैं। यहाँ पे जो मस्जिद है ये भी हमारे सामने बनी है। ये पहले ये बहुत गारे से बनी हुई थी, पिछले साल ही जो है कुछ फ़कीर आए जो कराची से कुछ सामान लेकर आए, कुछ लाहौर से आए हुए थे, यानी ये
लाल शबाज के वहां से आए हुए थे, उन्होंने मिलके जो है ये पूरा इसको जो है वो पहले हटाया सब चीज़ों को, गारे को, हर चीज़ को, और फिर पक्की मस्जिद जो है बनाइए और सुभान मस्जिद। आए अंदर चलते। आपने ज़्यारत की, ये मुसाफिरों के लिए रिहाइश गाह है, कमरा है टाइप का जो है, बरामदे टाइप का बनाया हुआ है। और मज़े की बात ये है इनकी, ये इन्हीं पहाड़ों से ये पत्थर इन्होंने काटे हैं एक ही शक्ल में, और बड़ी मेहनत से इन्होंने ये बनाए हैं। ये किचन है सामने, इसके पीछे सराया है जहाँ पे लोग अगर रुक जाए रात तो वो यहाँ पे ठहरते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो है वो ठहरते नहीं है लोग। ईंटों की जो बनाए बड़े मज़े की चीज़ें, आए हम आपको दिखाते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं दिखा सकते, इसकी जो इमारत बनाई है इन्होंने ये हम दिखाते हैं। आए ये यहाँ का होटल है, आप दीवार देखें, इसके साइज देखें, इतना तो कराची में भी जो है ये इतना बड़ा साइज नहीं होता पिलर्स का। ये पिलर नहीं है, ये आम पत्थरों से उन्होंने इतना मोटी दीवार बनाई है और उसको गारे से लेप कर दिया थोड़ा, अब तो ये गारा भी उतर रहा है ताकि एक फिनिशिंग आ जाए इसमें। और ये जो लकड़ियां हैं इसमें, ये लकड़ियां डाले हैं गार्डर के तौर पर, ये लकड़ी है, लकड़ी ने इतना वेट उठाया हुआ है, ये वजन उठाया हुआ है। और ये तो क्योंकि काला हो गया किचन है, क्योंकि ये लकड़ी पे जो है वो चाय बनती है, और दूध भी इनके ही अपने ही जो है वो जो मवेशी पाले हुए उन्हीं का है, और ये खुद यहाँ पैदा हुए इसी गांव में और बड़े हुए, अब मेरी एज से भी ज्यादा लग रहे। मेहनत करते जान तोड़, यहाँ इनकम कम है मगर इनकी हिम्मत है कि यहाँ पे नस्ल दर नस्ल जो है वो सांत फकीर की ये लोग खिदमत कर रहे हैं। इनके आबाजदाद भी यही काम करते थे जब कोई नहीं था या आता था, अब इक्का दुक्का कुछ लोग जानने लगे हैं शौकिया तौर पर यहाँ आ जाते हैं, या कुछ लोग बाइक के जो है वो आ जाते हैं। आगे चलते, ये वो बरामदा है, लोग यहाँ घंटा दो घंटे कुछ वक्त के लिए आधे दिन के लिए यहाँ रुकते हैं, और जो खाना पीना होता है यहाँ मैसर है वो खाते पीते हैं और फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि पीर भुक्कर से जब आप आए रोड से तो ये आपको 3 घंटे के बाद जो है ये स्टॉप मिलता है, आपको सांत फकीर का मज़ार आता है, उसके बाद मज़ीद आपने 3-4.5-4 घंटे आगे चलना होता है। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसको बहुत जल्दी पार कर लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हम लोग शहरी लोग हैं, यहाँ पे हम चल नहीं सकते ज़्यादा, हमें आदत नहीं है पहाड़ों पे उतरने की और चढ़ने की, इस वजह से हमें टाइम लगता है। यहाँ के लोग बहुत फुर्तीले हैं, स्मार्ट होते हैं, और अपनी एक खास चप्पल जो होती है खेड़ी टाइप की या पेशावरी चप्पल पे ये ज़्यादातर गुजरते हैं। आगे चलें,